हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉलीवुड क्रेज। और आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे मिर्जापुर सीरीज को लेकर। फ्रेंड, मिर्जापुर 3 फाइनली 5 जुलाई को रिलीज हो चुका है। पब्लिक ने इसे प्यार भी दिया है और पब्लिक ने थोड़ी सी अपनी डिसअपॉइंटमेंट भी शेयर की है मिर्जापुर 3 के मेकर्स के साथ। फ्रेंड, आप सबको मानना पड़ेगा कि मिर्जापुर 1 और 2 से जो हमारा माइंड बन चुका था, जो इसके 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, गुड्डू पंडित, कलीन भैया और मुन्ना त्रिपाठी, जो उनके साथ एक कनेक्टिविटी बन चुकी थी, वो मिर्जापुर 3 के कैरेक्टर के साथ अनफॉर्चुनेटली नहीं बन सकी। फ्रेंड, मिर्जापुर 3 काफी अच्छा एक सीजन है, उसमें काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, लेकिन जो आपको एक स्वैग, जो एक मजा आपको मिर्जापुर सीजन 1 और सीजन 2 में मिलता है, वो आपको मिर्जापुर सीजन 3 में नहीं मिलता। फ्रेंड, फैंस ने भी काफी मिस किया मुन्ना त्रिपाठी जैसे एक आइकॉनिक कैरेक्टर को। यही कारण है कि ये जो गिला है फैंस का, ये मेकर्स तक पहुंच चुका है और उन्होंने ऑलमोस्ट ऑफिशियली अनाउंस ही कर दिया कि मुन्ना त्रिपाठी का पूरा एक ऑफ सीजन आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड, आप मिर्जापुर सीरीज को कंपेयर कर सकते हैं सीधा मनी हीस्ट सीरीज के साथ। मनी हीस्ट के सेकंड सीजन में आपको मनी हीस्ट का फेवरेट कैरेक्टर बर्लिन की डेथ होती हुई दिखाई देती है। अब वहां पे भी फैंस इतने डिसअपॉइंटेड हो गए थे कि मेकर्स को पूरा एक स्पिन ऑफ बनाना पड़ा बर्लिन के नाम का। वो आपने नेटफ्लिक्स पे देखा भी होगा, लास्ट ईयर दिसंबर में वो रिलीज हुआ था। जिस तरह मनी इसके 5 सीजन्स थे, इस तरह ऑलमोस्ट आपको मिर्जापुर के भी 5 सीजन्स देखने को मिलेंगे। 3 तो आ चुके हैं, 4th भी ऑलमोस्ट अनाउंस हो चुका है और एटलीस्ट ये 5 या 6 तक जरूर जाएंगे। फ्रेंड, अब बात करते हैं कि मुन्ना त्रिपाठी के स्पिन ऑफ में हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड, जब मुन्ना त्रिपाठी का स्पिन ऑफ आएगा, उसमें आपको सिर्फ जो मिर्जापुर सीरीज के कैरेक्टर्स हैं उनमें से बीना त्रिपाठी और कलीन भैया सिर्फ देखने को मिलेंगे। गुड्डू पंडित और उनके जो भाई थे बबलू, वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो पूरा स्पिन ऑफ आप देखेंगे ये उससे पहले पहले होगा जब से इनकी लाइफ में गुड्डू पंडित और बबलू पंडित आए थे। उससे पहले मुन्ना त्रिपाठी की स्टोरी चलाएंगे, रोमांटिक एंगल्स भी लाएंगे, जो वो टिपिकल अपने डायलॉग बाजी करते हैं वो भी होगा, बाकी अच्छा खासा ट्विस्ट एंड टर्न्स भी होगा। तो एक आपको पावरफुल सीजन देखने को मिलेगा मुन्ना त्रिपाठी स्पिन ऑफ की सूरत में। यानी मुन्ना त्रिपाठी स्पिन ऑफ सीजन की शूटिंग आपको जनवरी 2025 के स्टार्ट से स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी। ये कुछ 4 से 5 मंथ्स की शूटिंग बताई जा रही है, क्योंकि काफी लंबा सीजन होगा ये, ऑलमोस्ट 10 से 11 एपिसोड्स आपको स्पिन ऑफ सीजन में भी देखने को मिलेंगे। तो जो फ्रेंड्स आप में से निराश हो गए थे, जिन्होंने मेरी तरह मुन्ना त्रिपाठी को ढेर सारा मिस किया था मिर्जापुर सीजन 3 में, उनके लिए मेकर्स ने एक ट्रीट रखने का प्लान कर दिया है कि एक नहीं, दो नहीं, एक कैमियो नहीं, पूरा एक 10 एपिसोड्स का सीजन आपको सिर्फ मुन्ना त्रिपाठी का देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, कितना एक्साइटेड है मुन्ना त्रिपाठी के स्पिन ऑफ सीजन के लिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।